हेलो 2025 आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली रियली वेल और आपकी इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी बुक अच्छी है कौन सी बुक बेकार है पहली बात कोई बुक अच्छी नहीं है और कोई बुक बेकार नहीं है ये इन शॉर्ट इस वीडियो का आंसर है बट येस वी नो दैट यू वुड बी डूइंग अ लॉर्ड ऑफ बुक्स एट योर एंड इफ आई हैव टू गिव और गिव यू अर क्लैरफिकेशन ऑन वॉट टू डू विद रिस्पेक्ट टू बुक्स Let's see that. Now, first of all, what you should definitely do is join the Telegram channel of matango for 2025 experience. And by the way, if you have not seen the roadmap video which we have made for you guys, link is in the description box just to give you an idea what we have done in that. We have given you a roadmap like this, right? Please watch that video because this will help you understand how to define roadmaps, milestones with timelines. Okay, droppers. Ke liye bhi baat kari hai humne usme.

हिमांशु पांडे सिंगेज और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर बहुत कम किताबें सॉल्व हो रही हैं फॉरन ऑथर्स हो चाहे वो अदर पब्लिकेशन हाउसेस हो पीपल आर स्टेकिंग टू देर कोचिंग मटीरियल बैंक ऑन यू आर डूंग एप्सोलूटली राइट मैथ्स में अगर हम बात कर रहे थे और ज्यादा अच्छी रेशो मिली कोचिंग मटीरियल सेवेंटी फाइव परसेंट पीपल वॉज टेकिंग टू देचिंग मटीरियल प्रीवियस ईयर विद फुल फोकस द सेकेंड हाइएस्ट थर्ड हाइएस्ट सिंगेज एंड दिस इज वॉट प्रॉब्लम बैंक्स आते हैं क्योंकि बहुत सारे मैथ्स में है ना ब्लैक बुक आती है विकास गुप्ता सर की समीर uh, पंचल सर की आती है कैलकुलर्स की किताब आती है वो बच्चे कर रहे थे फॉर लाइक एस एन लोनी हॉल एंड नाइट मैरॉन ऐसी किताबें कई लोग कर रहे हैं बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी मेजोरिटी ऑफ यू आर स्टिकिंग विद वॉट इज रिक्वायर्ड दैट इज कोचिंग मटेरियल ठीक है सो मुझे कमेंट में बताओ आप लोग क्या कर रहे हो आप कौन सी किताबें सॉल्व कर रहे हो अपने एंड पे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करिए आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में भी बात कर सकते हैं अगर आप अपने एंड पे उसे अभी कर रहे हैं तो ठीक है अब हम करें तो उस करें क्या सर अच्छा आगे बढ़ने से पहले अगर आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं तो डाउनलोड दी मार्क्स एप विच गिव यू चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रैक्टिस राइट तो आप ये देख सकते हैं बात करते हैं द रियालिटी इज दैट देर इज नो डेफिनेशन ऑफ बेस्ट बुक एवरी बुक इज बेस्ट प्रोवाइडेड आप उसे कंप्लीट करते हैं हमें कंप्लीट करना है आप किसी भी किताब को कंप्लीट करेंगे तो लर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाती है यह याद रखना है तो अगर मैं बात करूं बेस्ट इज नॉट गुड वे टू आंसर योर क्वेश्चन बेस्ट नहीं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट क्या ऑर्डर में करना चाहिए सर अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो सबसे पहला काम ये सब हट जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोचिंग एंड यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर एंड मोस्टली यू विल नॉट हैव टाइम टू डू एनीथिंग एल्स इसके नीचे जाने का समय नहीं मिलेगा इसमें एक दिक्कत आती है बच्चों को कि वो एडवांस का लेवल थ्री होता है आपके कोचिंग में या आपको एडवांस प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलती है जो भी मिलता है उसमें उतना ही टाइम स्पेंड करें जिससे आपका स्पीड ऑफ द क्लास डिस्टर्ब ना हो वॉट आई मीन टू से इफ टीचर इन द उसको अभी एडवांस वाली छीट को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए एंड यू हैव टाइम कम बैक टू दैट अगेन नहीं भी मिलता है तो बट प्लीज स्टिक टू दूल ऑफ ये दी बेसिक मंत्रा ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट ठीक है उसके बाद आपको करने होते हैं प्रीवियस ईयर यू हैव टू गो इन डेप्थ एंड यू हैव टू डू इन अ वेरी गुड लर्निंग लर्न फ्रॉम ईच क्वेश्चन कई बार हम प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करते हैं वी डू द प्रीवियस ईयर टू चेक आर सेल्फ हाँ आता है तो इसका मतलब यू फील कॉन्फिडेंट दैट आई कैन क्रैक जयंस नो नॉट लाइक दैट यू टू सी दैट वाईज बीन डन दैट वे वाई नॉट अदर मेथड वाई आई थॉट अबाउट दिस वाई अबाउट दिस वाई टू थ्री लेयर्स ऑफ वाई

मुझे नहीं लगता आपको इसके अलावा शायद कहीं भी जाने की जरूरत है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे को इंस्टीट्यूट मटेरियल नहीं मिल रहा है अच्छा नहीं है तो आप एच वर्मा सर की किताब करें बाय वर्मा सर ऑफ फिजिक्स नथिंग टू डिस्कस उसमें जो पीछे बैक हैं अगर आप इंस्टीट्यूट मेटीरियल सोल्व नहीं कर रहे हैं ये जो कर रहे हैं अब आप जो इंस्टीट्यूट का मेटीरियल सोल्व करें चाहे आप एच वर्मा सोल्व करें यू टू मेक श्योर खुद सॉल्व करें बहुत सारे बच्चों को मैंने आज के नेचर में देखा है डाउट सर डाउट आ गया डाउट फैकल्टी डाउट फैकल्टी डाउट फैकल्टी जितना बार उछल उछल के आप डाउट फैकल्टी पे जाओगे उतना आपकी रैंक पीछे 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 होती जा रही है पेपर के समय डाउट फैकल्टी नहीं आने वाला आपको हेल्प करने के लिए स्टार्ट फेसिंग चैलेंजेस आपसे क्वेश्चन खुद क्यों नहीं सॉल्व हो रहा दस में से पांच क्वेश्चन अगर डाउट आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डाउट फैकल्टी सॉल्व नहीं करेगा आपको टाइम देना है इसका मतलब पहले रिविजन पे और उन्हीं क्वेश्चन से लर्निंग लेने में टाइम लेना है 20 में से एक सवाल उसे अनप्रिपेयर कहते हैं जितना जल्दी आप ये समझोगे ना बच्चों उतना रैंक बनेगा नहीं तो मिल तो आपको रहे डाउट सर्विस डाउट सर्विस ले तो लोगे बट रिजल्ट नहीं बना पाओगे सो so, मटेरियल इफ आर गोइंग एच सी वर्मा करने की आपको शायद जरूरत ना पड़े यू कैन डू इट एज ए रिविजन टू बिकॉजिक बुक टू मेकर की आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ठीक है आपके पास ये नहीं है आप कोई इंस्टीट्यूट में नहीं है तो ये आपकी पेन बुक बनाओ एक एक क्वेश्चन डेप्थ में बिना सोल्यूशन देखे करना है नहीं तो फिजिक्स नहीं इंप्रूव होगी भाई ये पक्की बात है ठीक है उसके बाद जाए आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो ये किताबें करने की जरूरत नहीं है बट अगर आप खुद से कर रहे थे एच ए में कम सवाल होते हैं तो आप सेंगेज उठा लो अंत उठा लो इनमें बहुत सारे सवाल होते हैं सारे करने की जरूरत नहीं है और नंबर प्रॉब्लम्स कर ली सॉल्व एग्जाम्पल्स जो थे उनको इलेस्ट्रेशन को अनसॉल्व वे में कर लिया काम खत्म हो गया इससे ज्यादा नहीं पहला टारगेट है जो मैंने रोड मैप वीडियो बनाई है उसे जाके दोबारा देखिए मेरे को अपना कोर्स खत्म करना है 15 अक्टूबर या अगर मैं ड्रॉपर हूं तो थर्टीथ नवंबर तक फिर आएगी बारी सर मुझे रिवीजन चाहिए तो मैं क्या करूंगा अब जो मेरी संगेज में क्वेश्चंस बच गए थे मैं उनको प्रैक्टिस कर लूंगा या मैं प्रॉब्लम बुक्स जो होती हैं इन्हीं इन्हीं के ऑथर्स की की या फिर पब्लिकेशन हाउस प्रॉब्लम बुक्स आती हैं वो करूंगा या फिर मैं प्रीवियस ईयर को एज अ मॉक देना शुरू कर दूंगा मैथ्स में ये बहुत अच्छा समझा सकते हैं हम लोग जैसे ये जो क्वेश्चन बैंक वाली बुक होती है ये जनरली आप तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपका ये ऊपर वाला कार्यक्रम हो गया नाउ यू हैव नथिंग टू तब आप जाके उनको सॉल्व करिए

वट आर ऑडियंस इज अपू हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इसे हम और रिलेवेंट वीडियो आपके लिए बनाते रहे गॉड दस कीप वर्किंग हार्ड एंड आई होप यू आर ऑल ऑन राइट ट्रैक क्योंकि हमें क्या करना है पेपर फोड़ना है